नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे श्रवण की कहानी के बारे में। जी हाँ, कौन थे श्रवण और क्या थी उनकी कहानी, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नाम लेकर शुरू करते हैं आज की कहानी का पाठ। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्म परायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था, अपने माता पिता का बच्चों की तरह पालन पोषण करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते भी थे कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मार्त भक्त पुत्र मिला है, जिसने स्वयं के बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं दूर छोड़ाता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। जब ये बात श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह तो मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया था और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूँ। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य ही पूरा करूँगा। जब शांतनु और उसकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं, ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूँ। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कांवड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कांवड़ का लेश मात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन भर उठता है और वो पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण कुमार को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब वो तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं, उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवड़ को जंगल में रखकर हाथों में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी में जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उसे घने वन में वह हिरण का शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज़ आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिसे सुन दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है। वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण कुमार के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के पास जाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना, और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वे भले ही नेत्रहीन हों पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट को ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि का आभास होता है और वे अपनी करने की क्षमा याचना करते हैं।
लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह से मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम सीता लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। हमें यह कहानी शिक्षा देती है कि बिना लक्ष्य को देखे उसे भेदना कई बार आपको गलती का पात्र बना देता है और आप ना चाहते हुए भी दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। यह थी श्रवण कुमार की कहानी। अपनी माता पिता भक्ति के कारण ही श्रवण कुमार प्राणों में जीवित हैं। श्रवण कुमार सदैव अपनी मातृभक्ति के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं की कहानी सुनाकर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। रामायण महाकाव्य में ऐसे कई चरित्र हैं जो हमें वास्तविक जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान देते हैं और हमें धर्म एवं कर्म का सही मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए आप मेरे साथ हमेशा बने रहें। आशा करता हूँ ये श्रवण कुमार की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा और नाम लेकर मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।